आई न्यूज एस पी नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा। ममता बनर्जी, नाम तो आपने सुना होगा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। यहाँ कहा जा रहा है कि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का बहुत ही अहम माना जा रहा है, और इसको देख कर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी यहाँ पर आरएसएस का समर्थन कर रही है, उसी हिसाब से देखा जाएगा कि यहाँ पर बीजेपी का समर्थन करती नजर आ सकती है ममता बनर्जी। अगर ऐसा होता है तो 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी बीजेपी का साथ दे सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक समय ऐसा था कि ममता बनर्जी को लेकर खबरें सामने आई थी कि वो पीएम उम्मीदवार के लिए खड़ी हो सकती है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का नाम भी आ रहा है, और तीसरी तरफ देखें तो यहाँ पर राहुल गांधी का नाम भी आ रहा है। लेकिन आखिरकार यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि ममता बनर्जी पीएम उम्मीदवार के लिए तो तभी खड़ी होंगी जब यहाँ बीजेपी उनका पूरा सपोर्ट करेंगी या पूरा सहयोग उनका देंगी। लेकिन यहाँ पर यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्या ममता बनर्जी इतनी ज्यादा उस कह सकते हैं कि उस लायक है कि वो यहाँ पीएम मोदी के लिए उम्मीदवार खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक निजी विचार वाली बात हो तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ममता बनर्जी सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए बनी है, पश्चिम बंगाल की बात की सरकार सहना उनके लिए सही नहीं होगा, और यहाँ की जनता को संभालना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना हो सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि आखिरकार 2024 के चुनाव से पहले क्या ममता बनर्जी यहाँ पर बीजेपी का साथ देगी या बीजेपी ममता बनर्जी का साथ देगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को भी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार और अपनी छवि बनानी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और आपने वो कहावत सुनी होगी कि अपने काम निकालने के लिए यहाँ पर टेढ़ी उंगली को भी सीधा करना पड़ता है। इसी तरीके से देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एंट्री के लिए बीजेपी ममता बनर्जी का साथ दे सकती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा एसपीएन9 न्यूज के साथ।